जब भी बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की या एक प्रोग्रामर बनने की, तो सबसे पहले यही सवाल दिमाग में आता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिसे सीखकर आप एक डेवलपर बन सकते हैं। बात अगर वेब डेवलपर की करें तो वेब डेवलपर बनने के लिए जो सबसे जरूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है PHP। बिना PHP सीखे आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में आधा अधूरा ज्ञान लेकर घूमेंगे और ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि PHP होता क्या है, इसके लिए क्या क्या सीखना चाहिए और कहां से आप PHP लैंग्वेज सीखकर वेब डेवलपर बन सकते हैं। अंत में हम आपको कुछ जरूरी टिप्स भी देंगे जिससे आप बेस्ट PHP डेवलपर बन सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक सपोर्ट आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि PHP होता क्या है। PHP एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट डिजाइन के लिए किया जाता है। इसके अलावा PHP का इस्तेमाल कमांडेड स्क्रिप्टिंग या डेस्कटॉप ऐप बनाने के लिए भी किया जाता है। PHP का इन्वेंशन वेब डेवलपमेंट के लिए किया गया था। तो अगर आज की डेट में कोई ये कहे कि PHP तो पुरानी हो गई है, आज पाइथन जैसे लैंग्वेज आ गए हैं जिसमें हर तरह के एडवांस फीचर्स मौजूद हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज भी वेब डेवलपमेंट के लिए अगर कोई लैंग्वेज बेस्ट है तो PHP ही है। इसका आविष्कार 1994 में रेस्मस लेडॉर्फ ने किया था, जो कि एक डेनिश कैनेडियन प्रोग्रामर है। 1 अक्टूबर 2020 को PHP का लेटेस्ट वर्जन 7.4.11 लॉन्च किया गया है। तो चलिए जाने कि PHP के साथ साथ किस किस चीज की जानकारी होना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने पहले बताया कि PHP एक वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे सीखने से पहले आपको HTML, CSS और JavaScript की जानकारी होनी चाहिए। JavaScript में आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप PHP सीख पाएंगे। तो चलिए जानते हैं PHP को कब और क्यों सीखना चाहिए। जो भी वेब डेवलपर बनना चाहता है उसे PHP सीखनी चाहिए, लेकिन PHP में बस इतना ही नहीं है, और भी कई कारण हैं जिसके लिए PHP की जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहली बात, सितंबर 2019 तक 9% वेबसाइट वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहे थे। वर्डप्रेस PHP के जरिए संचालित किया जाता है। इस हिसाब से अगर आप अपने वर्डप्रेस स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो PHP सीखना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप जूमला या ड्रुपल जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करना चाहते हैं तो इसमें भी PHP स्किल्स की काफी जरूरत पड़ती है। नंबर 2, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले PHP सीखना ज्यादा आसान समझा जाता है। नंबर 3, अगर आपको PHP की अच्छी जानकारी है तो आप आसान प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन बिना किसी रुकावट के और बहुत जल्दी अपलोड कर सकते हैं, जबकि ऐसा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ नहीं होता है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले PHP में आपको रिजल्ट जल्दी देखने को मिलता है। नंबर 4, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही तरह PHP की भी फ्री रिसोर्स और ह्यूज कम्युनिटी है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप किसी कोडिंग में फंस जाओ तो आप किसी एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हो, आइडिया एक्सचेंज कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि फ्री PHP कोर्स कहां से कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं और PHP सीखना चाहते हैं तो फ्री कोर्स से शुरुआत कर सकते हैं। फ्री कोर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कोर्स लो क्वालिटी का होगा। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्री में कोर्स कराते हैं और बहुत बढ़िया कोर्स कराते हैं। हम यहाँ कुछ ऑनलाइन फ्री कोर्स के बारे में आपको बताएंगे जहाँ से आप PHP का पूरा कोर्स कर सकते हैं, और अगर बाद में आपको लगता है कि आपको और गाइडेंस की जरूरत है तो आप पेड कोर्स भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑफिशियल PHP मैनुअल। अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो शुरुआत PHP के ऑफिशियल पेज से कर सकते हैं। यहाँ आपको हर तरह की गाइडेंस मिल जाएगी, जैसे PHP क्या है, इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, बेसिक सिंटेक्स की जानकारी, इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको सब समझाया जाता है। आप इससे PHP का बेसिक कोर्स कर सकते हैं। नंबर 2, W3 Schools PHP Tutorials। ये वेबसाइट किसी भी उम्र के बिगनर्स के लिए सही है। यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत सारे रेफरेंसेस और एग्जाम्पल के जरिए वेब डेवलपिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ खूब एक्सरसाइज और क्विज के जरिए आपको PHP मेमोराइज करने में भी मदद मिलती है। आपको यहाँ से PHP का कोर्स पूरा करने पर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अगर आप बहुत आसानी से और मजे मजे में PHP कोर्स करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ विजिट जरूर करें। नंबर 3, PHP द राइट वे। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही तरह PHP में भी आपको खूब प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप PHP एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे और जल्दी जल्दी कोड्स नहीं बना पाएंगे।
जिससे बाकी डेवलपर से पिछड़ जाएंगे। जब आप बेसिक सीख लें तो यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में सीखने को मिलेगा, जो कि नए डेवलपर्स के लिए समझना जरूरी है। नंबर 4, फ्री कोड कैंप्स, फ्री पीएचपी ट्यूटोरियल्स। अगर आपको वीडियो देखना पसंद है और वीडियो से ज्यादा जल्दी सीखते हैं, तो यहाँ से कोर्स करना आपके लिए एकदम सही रहेगा। यहाँ 5 घंटे का सेशन होता है, जिसमें वीडियो के जरिए पीएचपी बहुत अच्छे से समझाया जाता है। अगर आपने पीएचपी का बिगनर कोर्स कर लिया है तो स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और आगे सीख सकते हैं। नंबर 5, लर्न पीएचपी विद कोड एकेडमी। आप यहां अपना अकाउंट बनाकर कोर्स कर सकते हैं। ये एक सेल्फ गाइडेड कॉलेज कोर्स की तरह है, जहां आपको आर्टिकल्स, क्विज और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है और डाउट्स भी क्लियर होते हैं। यहां वीडियो और टेक्स्ट दोनों तरह के क्लासेस होते हैं। नंबर 6, गीक्स फॉर गीक्स पीएचपी ट्यूटोरियल्स। अब तक हमने जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात की है, उन सभी में बेसिक्स की बात की गई है, और उसके आगे के लिए आपको दूसरे प्लेटफॉर्म या कोर्स का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ सभी कॉन्सेप्ट्स, फंक्शन और पीएचपी लाइब्रेरी सीखने को मिल जाता है। तो अगर आपको बेसिक से आगे एडवांस सीखना है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। नंबर 7, लर्न पीएचपी इन 1 मिनट। अगर आप पीएचपी को ज्यादा तेजी से सीखना चाहते हैं तो यहां से सीख सकते हैं। इसमें सभी कॉन्सेप्ट्स की ब्रीफ जानकारी आपको कोर्स के जरिए मिल जाएगी। यहां ज्यादा लंबे एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बस पॉइंट में आपको पीएचपी सिखाया जाता है। नंबर 8, सोलो लर्न पीएचपी ट्यूटोरियल्स। अगर आप पीएचपी को बहुत मजे मजे में सीखना चाहते हैं तो यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ आपको क्विज दिए जाते हैं, जिससे आपने क्या क्या सीख लिया है उसे याद करने में मदद मिलती है और प्रैक्टिस भी हो जाती है। बस आपको यहाँ जाकर अकाउंट बनाना होता है और आप इसे अपने फोन से भी सीख सकते हैं। इनके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जहाँ से आप पीएचपी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे ही कुछ चैनल्स हैं, ट्रेवर्सी मीडिया पीएचपी फ्रंट टू बैक, द नेट निंजास पीएचपी ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स, पीएचपी बेसिक्स। तो चलिए अब कुछ पेड कोर्सेज की बात कर लेते हैं। पीएचपी बेसिक्स के बाद इसमें जब तक आप एडवांस लेवल का कोर्स नहीं करेंगे, तब तक एक डेवलपर के तौर पर आपको काम नहीं मिल पाएगा। एडवांस फीचर्स की जानकारी के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन कोर्स हैं, जहां आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जिसे दिखाकर आप अच्छी कंपनी में काम पा सकते हैं। कुछ ऑनलाइन पेड कोर्स हैं। नंबर 1, Udemy PHP Tutorials। Udemy पर आपको हर तरह का कोर्स मिल जाएगा, जिसकी आज की डेट में डिमांड है। यहाँ आपको PHP के बहुत सारे कोर्स अलग अलग भाषा में मिल जाएंगे। यहाँ कोर्स थोड़े महंगे हैं, लेकिन अगर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें तो आप यहाँ से बहुत अच्छे ट्यूटर से कोर्स सीखकर अच्छी जगह लग सकते हैं। नंबर 2, लिंडा पीएचपी ट्यूटोरियल्स। लिंडा पर आपको 55 के आसपास पीएचपी कोर्स मिल जाएंगे, जिसमें लगभग 2000 वीडियोस होंगे। यूडेमी की ही तरह इसमें भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने वीडियोस बनाए हैं और पीएचपी के लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। इसमें ट्रायल के लिए कुछ वीडियोस आप फ्री में भी देख सकते हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि आपको कौन सा कोर्स करना है। नंबर 3, कोर्सेरा पीएचपी कोर्सेस। अगर आप बिना कॉलेज गए विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं और वहाँ का सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो कोर्सेरा इसके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ भी पीएचपी के बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं, जहाँ से आप पूरा कोर्स करके सर्टिफिकेट पा सकते हैं। यहाँ से आप स्कॉलरशिप के जरिए फ्री में भी कोई पेड कोर्स कर सकते हैं। कोर्सेरा सबसे बेहतरीन जगह है किसी भी तरह के कोर्स के लिए। नंबर 4, लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी बाय बिल्डिंग अ कंप्लीट वेबसाइट। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं बिना कुछ भी लगाए, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बढ़िया है। ये कोर्स आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सब कुछ समझाता है और आप कैसे पीएचपी के साथ इसमें मास्टर बन सकते हैं इसके बारे में सिखाता है। इसमें आप बेसिक्स के बारे में सीखते हैं और सीखने के साथ ही अपना वेबसाइट बना सकते हैं। नंबर 5, फ्री हाउस पीएचपी कोर्सेस। ट्री हाउस पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। इस पर आप 1 महीने फ्री में कोर्स कर सकते हैं। इस पर पीएचपी के खूब कोर्सेज मिल जाते हैं, जिसमें वीडियोस, क्विज और ऑब्जेक्टिव्स की मदद से भी आप जो सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेवलपर बनने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। आप इसमें से या इसके अलावा खुद भी सर्च कर सकते हैं और जहां भी आपके लर्निंग स्टाइल को सूट करे, वहां से पीएचपी डेवलपर बनकर अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं, बिना महंगे कॉलेज में रुपए खर्च करे।
अगर आप वर्डप्रेस पर काम करना चाहते हैं तो आपको कुछ और चीजें सीखनी होंगी जिसमें जावास्क्रिप्ट भी शामिल है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है और वो ये कि कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको प्रैक्टिस चालू रखना है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस बंद की तो आप बाकी डेवलपर से 10 कदम पीछे हो जाओगे। आपको ये बात ध्यान रखना है कि पीएचपी सिर्फ एक शुरुआत है, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ सीखना होगा जो आपको बेस्ट डेवलपर बनने में मदद करेगा। आप अपने आप को जितना अपडेट रखोगे उतना आपको नया नया काम मिलेगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे सकें। अगर आपके पीएचपी लैंग्वेज से संबंधित कोई और सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।